नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेनू सुनीता। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 60 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 46 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार बुधवार को दो जिले बागेश्वर और चमोली में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वहीं अल्मोड़ा में 7, चंपावत में 5, देहरादून में 10, हरिद्वार में 4, नैनीताल में 8, पौड़ी और टिहरी में 1-1, पिथौरागढ़ में 6, रुद्रप्रयाग में 2, उधमसिंह नगर में 13 और उत्तरकाशी में 3 संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी पहली पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर देवस्थानम बोर्ड से संबंधित एक्ट निरस्त किए जाएंगे। भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रचंड बहुमत के बलबूते पर संबंधित वर्गों और जनता की आवश्यकता को जाने बगैर इन नियमों को थोपा गया था। सीबीएसई के हजारों छात्रों को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम जारी करने की तिथि घोषित कर दी है। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 30 जुलाई को जारी किया जाएगा, जबकि 10वीं के छात्रों को रिजल्ट के लिए करीब 5 दिन का और इंतजार करना होगा। उत्तराखंड रोडवेज के साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा है। पहले ही बस चालकों की कमी से जूझ रही रोडवेज की आउटसोर्स एजेंसी ने भी तगड़ा झटका दे दिया है। एजेंसी ने रोडवेज से अपना करार तोड़ते हुए उसकी ओर से उपलब्ध कराए चालकों को वापस कराने को कहा है। आरोप है कि रोडवेज चालकों को ना तो वेतन दे रही है और ना ही उनका ईपीएफ जमा किया जा रहा है। इस कारण चालक एजेंसी में हंगामा कर रहे हैं और संचालकों को परेशान कर रहे हैं। एजेंसी ने बस 31 जुलाई तक अपनी सेवा देने की बात कही है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कोविड काल में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए चलाए गए मिशन हौसला अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपद वाहिनी और SDRF के 100 पुलिसकर्मियों के नाम मांगे हैं। इन सभी जवानों को 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डीजीपी अशोक कुमार मेडल से सम्मानित करेंगे। 24 जुलाई को सीएम के गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब दर्शन पर जोड़ा घर के समीप सांस्कृतिक कार्यक्रम होने से सिख संगत में गहरा आक्रोश रहा, लेकिन कार्यक्रम के आयोजन को लेकर चल रहे विवाद का तीसरे दिन अंत हो गया। श्री अकाल तख्त साहिब की 3 सदस्यीय जांच कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में प्रबंधक समिति के चारों पदाधिकारियों ने संगत के आक्रोश को देखते हुए श्री अकाल तख्त साहिब से निर्णय आने तक के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। प्रबंधक समिति के इस्तीफे के बाद आक्रोशित संगत भी घरों को लौट गई। बैंकों के डूबने पर खाताधारकों की गाड़ी कमाई को सुरक्षित करने के लिए कैबिनेट ने जमा बीमा अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसकी मदद से ऐसे जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी जिन्होंने छोटे बैंकों में अपनी रकम जमा की है। संशोधन की मदद से बैंक के डूबने पर जमाकर्ताओं के 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड रहेंगे और 90 दिन के अंदर वो वापस मिल जाएंगे। सिडकुल में लगे उद्योगों में 70% रोजगार स्थानीय लोगों के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने विभागीय अफसरों को इसके निर्देश देते हुए 10 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को विधानसभा में उद्यमियों और उद्योग विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सिडकुल क्षेत्रों में 70% रोजगार स्थानीय लोगों को देना सुनिश्चित करने को कहा। हिमाचल की सांगला वैली और धर्मशाला में भूस्खलन से हुई तबाही का अध्ययन अब वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक करेंगे। उत्तराखंड सरकार के अनुरोध पर संस्थान के वैज्ञानिक भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं को रोकने और दुष्प्रभाव को कम करने के बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तो शुरू कर दी हैं। इस बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी आगामी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को लेकर मंथन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय चुनाव आयोग में एक बैठक हुई जिसमें अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। देश और प्रदेश से जुड़ी इन खबरों में इतना ही। देखते रहिए जेजेएन न्यूज।